था, एक दो दो तीन साल से मैं बहुत परेशान था, दोनों घुटनों में पहले सीधे हो रहा था, बाद में फिर बाएं घुटने में होगा, ऐसी तकलीफ थी चलना फिरना और नमाज को उसको बहुत तकलीफ थी, मोड़ नहीं सकता था मैं। डॉक्टर अताउल्लाह बोल के एक डॉक्टर था, भाई पेपर में भी पढ़ा था, पढ़ने के बाद भी एक दूसरे और एक हमारे पड़ोस में रहते, उन्होंने बोले कि भाई ऐसे एक बात ऐसी देखो जाओ, बोले जाकर वहाँ इलाज कराया, नशा बिशा खींच के करके बहुत इससे ये करे, जब का ये करे तो मेरे पूरी तकलीफ चले गई, कुछ भी नहीं क्या भी नहीं। इस बात मेरे लिहाजा गुजारिश है जिसको भी अगर कुछ दर्द है वो है ये है बोले तो कैसा दिख रहा आपको खाली होगा? नहीं ठीक है बिल्कुल आराम है, यानी कुछ भी दर्द है से नहीं बोले, ऐसा ऐसा महसूस हो रहा मेरे को, नहीं बैठ रहे ऐसा हो गया, बिल्कुल ठीक हूँ। बैठने हो रहा था पहले, बैठने हो रहा था, बैठने नहीं आता था मेरे को, पैर मोड़ नहीं सकता था मैं वो इससे, अरे बैठ के दिखाओ, चल सकता हूँ, चल फिर सकता हूँ मैं, पूरा ये हो गया। बैठो बैठो बैठो, नमाज को उसको बहुत तकलीफ थी मेरे को, बैठो बैठो बैठो, पूरा गुजार के बैठो, पूरा बैठ के दिखाओ, ऐसा दोनों पाल खत मार के नहीं बैठ सकता था भाई, बोले उसके नमाज में और दूसरे कामों में खाने को बोले थे ऐसा चुप पाल खत मार के बैठना और ऐसे पढ़ना पड़ता था मेरे को, वो इतने तो कुर्सी पे बैठा, जरा मेरे बहुत बेद भी दिखता था, इस में जरा बहुत परेशानी भी था भाई उससे, इसे डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर साहब दवा वो दिए, उसे बहुत शफा हो गई, इसका बहुत बहुत मैं अल्लाह का और उनका ये करता हूँ, उनके इसमें और ये करे गोलियाँ खा रहे थे नो, तो इंशाल्लाह देखो घुटने के वास्ते बताया और मेदो अलसी और मेथी, अलसी और मेथी ये दो चीज़ों को भून के इसका पाउडर बना लें, ये पाउडर बना के सुबह में एक चम्मच एक गिलास पानी में डाल के पीना, इंशाल्लाह आपको मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी और आपकी घुटने का दर्द पूरा निकल जाता, कैल्शियम जो है नहीं होना या कम होना और घुटने में गैप आना, पानी भर गया घुटने में, देखो ये दो घुटने ऐसा रहते, गैप आया बोलते गैप नहीं रहता, वहाँ पे पानी रहता लेकिन वहाँ पे खून पास नहीं होता, एक बात याद रखो जहाँ पे खून का दौरान नहीं होता वहाँ पे दर्द शुरू होता, तो ये घुटने के बीच में जो है गैप बन के रहता और वहाँ पे पानी रहता, खून का दौरान नहीं होता तो वहाँ पे दर्द होता उसकी वजह से, और कैल्शियम पैदा करना है तो क्या करो आप, लंबी भेंडी और लंबी मूंगे की फल्ली आती, उसे सेगे की फल्ली भी बोलते हैं, ये कंटिन्यूस 8 दिन लेने से इंशाल्लाह आपके घुटने में ग्रीस पैदा होता और आपका घुटने का दर्द ख़त्म हो जाता। अगर घुटने बदलाने बोल रही हैं सीवियर है प्रॉब्लम, चल नहीं सक रहे, बैठ नहीं सक रहे, तो इंशाल्लाह आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है इंशाल्लाह, ठीक है ना, घुटने बदलाने की ज़रूरत नहीं होती इंशाल्लाह। क्यों बोले तो मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स भी आके इलाज कराते हैं घुटने का, अल्लाह के फजल से गारंटी और बेहतरीन इलाज है। मेरा फ़ोन नंबर है 7795414139 9900364 95। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।